बच्चों अभी हम पेज नंबर 161 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 8 देखते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आता है एग्जाम्स में काफी बारी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट्स। तो देखो दो पॉइंट्स हैं P एंड Q, ठीक है, तो दो पॉइंट्स हैं P एंड Q है, ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है। ठीक है, सो P और Q दो पॉइंट्स हैं और P है 2, -3 है। ठीक है, देखो यहाँ कोई P पॉइंट है जो है 2, -3 और कोई Q पॉइंट है जो कि है Q पॉइंट है जो कि है 10, y। ठीक है, सपोज Q यहाँ है 10, y। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, क्या बोल रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 यूनिट्स, 10 है। ठीक है, PQ के बीच का डिस्टेंस क्या है 10, तो आप क्या करोगे, आप लगाओगे डिस्टेंस फॉर्मूला किसके बीच, PQ के बीच। ठीक है, क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि y की वैल्यू फाइंड करो, डिस्टेंस बिटवीन बट P 2, -3 और Q 10, y इज 10 यूनिट्स। ठीक है, सो PQ आप फाइंड करो। P है 2, -3, Q है 10, y। ठीक है, 10 यूनिट्स है, डिस्टेंस क्या है आपका 10 यूनिट्स। ठीक है, PQ इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, तो PQ की फॉर्म, PQ क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस 10 यूनिट्स दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है PQ इज 10 यूनिट्स। ठीक है, डिस्टेंस 10 यूनिट्स है, आप क्या करोगे, पहले PQ फाइंड कर लो, PQ फाइंड करो। सो नाउ ये वाली चीज लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये वाली चीज मैंने आपको क्वेश्चन 7 भी कराया था पिछले लेक्चर में, उसमें मैंने आपको कहा था, जैसे उसमें भी PQ इज इक्वल टू QR ऐसा कुछ था। ठीक है, PQ इज इक्वल टू PR, मतलब वो जो चीजें क्वेश्चन में बोल रहे हैं इक्विडिस्टेंट वाली वो लिखनी जरूरी है। यहाँ पे बोल रहे हैं PQ 10 है, वो लिखना जरूरी है। अब PQ का निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। ठीक है, सो देयर फोर PQ इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, x2 x1 y2 y1 है। सो यहाँ देखो x1 y1 और x2 y2, सो यहाँ देखो 2 क्या है, x1 है, -3 y1 है, x2 है, y2 है। ठीक है, सो क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, x2 - x1, तो x2 क्या है 10 -2 द होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है y - y1 क्या है -3 द होल स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर PQ इज इक्वल टू अंडर रूट, अब यार ध्यान से देखो वैल्यूज डाल दी, x1 y1 x2 y2 वैल्यू डाल दी, तो 10 - 2 क्या है 8 स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस है प्लस, ठीक है, y+3 द होल स्क्वायर। ठीक है, सो देयरफॉर PQ इज इक्वल टू अंडर रूट 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64 प्लस y+3 द होल स्क्वायर। y+3 द होल स्क्वायर फॉर्मूला कौन सा है, आइडेंटिटी में लिख देती हूँ, a+b द होल स्क्वायर, क्या होता है a² + 2ab + b² या xy के फॉर्म में लिखनी हो तो x+y द होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² + 2xy + y². ठीक है, सो यहाँ क्या करेंगे, हमारा x क्या है ये, हमारा y क्या है ये, तो कैसे लिखेंगे, x² + 2xy + y². x क्या है y 3 3, ठीक है, सो इज इक्वल टू देयरफॉर PQ इज इक्वल टू 64
प्लस y का स्क्वायर, y का स्क्वायर क्या होगा y स्क्वायर प्लस 2 3 जा है 6y, ठीक है 2 3 जा 6y प्लस 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, ठीक है 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9। यहाँ मैंने फॉर्मूला लगाई x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, ठीक है आइडेंटिटी है ना, इस पे मैंने आइडेंटिटी लगाई और ये 8 स्क्वायर 8 जा 64, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे 64 और 9 कितना होगा, सो देयर फोर पी क्यू इज इक्वल टू 64 और 9 कितना होगा, 64 और 9 13, सो 73 हुआ, 73 हुआ, सो 64 और 9 73, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, सो देयर फोर पी क्यू क्या है, पी क्यू की वैल्यू क्या है 10, पी क्यू क्या दिया हुआ है 10, मैंने कहा था ना आपको आगे काम आएगा, ये जो चीजें क्वेश्चन में दी होती हैं एक्चुअली वही गेम चेंजर होती है, आपका सम वही सॉल्व करती है। सो पी क्यू क्या दिया हुआ है 10, ठीक है मैंने पहले इसलिए लिख लिया था, ठीक है सो पी क्यू 10 है, तो पी क्यू की जगह क्या लगाएंगे 10। अच्छा अब यहाँ देखो वहां स्क्वायर रूट है वहां 10 है, अब हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग, ठीक है स्क्वायरिंग है, ठीक है स्क्वायरिंग क्यों, जब भी स्क्वायर रूट हो स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए हमेशा स्क्वायरिंग किया जाता है, सो स्क्वायरिंग करोगे तो बोथ साइड्स करोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, देयरफॉर 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 का स्क्वायर, देयरफॉर 10 का स्क्वायर क्या होगा 10 10 जा 100, ठीक है 10 10 जा 100 होता है इज इक्वल टू, और यहाँ देखो ये स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर रूट के साथ क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर होगा, देखो ये स्क्वायर रूट है स्क्वायर, कैसे स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट क्या है 1/2 होता है, 1/2 होता है 2 2, ठीक है सो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, ठीक है। देयरफॉर 0 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100, देयरफॉर 0 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y 73, 100 में से 73 गए, 100 में से 73 गए तो 10 में से 3 गए 7, 9 में से 7 गए 2, ठीक है और 1 का 1, ठीक है अच्छा 100 में से 73 है सॉरी 100 में से 73 है, 100 में से 73 है, 10 में से 3 गए 7, 9 में से 7 गए 2 और ये 0 का 0, सो 27 है माइनस 27, ठीक है तो देयरफॉर इसको सीधा करके लिखो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर y स्क्वायर 6y कैसे, 6 की वैल्यू कैसे मिलेगी 9 3 जा 27, सो 9 3 जा 27, 9 प्लस माइनस माइनस 9 3 जा 27, ठीक है दो दो की पेयरिंग करो y, तो अंदर क्या आएगा y प्लस 9 माइनस 3। अब यहाँ देखो मैंने स्प्लिटिंग की, जब भी स्क्वायर हो आप स्प्लिटिंग आगे सीख के, स्प्लिटिंग क्या होती है स्क्वायर होता है, तो हम ऐसे फैक्टर्स निकालते हैं जो हमें मिडल टर्म मिले, सो 27 कैसे दो भाग करो कि 6 मिले, तो 9 3 जा 27, साइन कैसे लगती है ये प्लस की प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर चेक करो 9y में से 3y गए तो 6y, आपको याद होगा हमने स्प्लिटिंग सीखी है आगे के चैप्टर्स में। पेयरिंग की अब देखो ये वाली अंदर वाली ब्रैकेट कॉमन होनी चाहिए, देखो यहाँ y कॉमन निकाला तो y प्लस 9,
या माइनस थ्री कॉमन निकालो तो अंदर क्या बचेगा, वाई प्लस नाइन, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। माइनस थ्री कॉमन निकालो तो अंदर क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस, थ्री नाइन जा 27, सो देयर फोर वाई प्लस नाइन और वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। आपने दोनों में y प्लस नाइन कॉमन निकाल लिया और y माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब हम बस लास्ट में ही हैं, हमें क्या फाइंड करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सो मैं यहाँ नीचे नहीं लिख के, अच्छा चलो नीचे लिख लेती हूँ, नीचे लिखूं कि नहीं लिखूं, तो मैं यहाँ बीच में लिख लेती हूँ शायद आपको ना दिखे, मैं यहाँ कंप्लीट करती हूँ लास्ट, अच्छा या तो यहाँ कर लेती हूँ, ठीक है, इस साइड कर लेती हूँ, ठीक है, मेरा आंसर लास्ट पे ही है, मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। देखो यहाँ पे y प्लस नाइन वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, सो देयर फोर वाई प्लस नाइन वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, सो देयर फोर वाई प्लस नाइन भी जीरो के बराबर होगा, y माइनस थ्री भी जीरो के बराबर होगा। जीरो क्या होगा, दोनों को मिलेगा, नाइन को, y प्लस नाइन को भी जीरो मिलेगा, y माइनस थ्री को भी जीरो, सो देयर फोर y इज इक्वल टू जीरो माइनस नाइन, देयर फोर y इज इक्वल टू माइनस नाइन, ठीक है। अब ये वाला देखो, y माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो y इज इक्वल टू जीरो प्लस थ्री, देयर फोर y इज इक्वल टू थ्री, y कितना आया थ्री, तो देखो y माइनस नाइन आया, y थ्री आया, ठीक है। आपने देखो कैसे सॉल्व किया, आपने ठीक है, सो y इज इक्वल टू जीरो प्लस थ्री, ठीक है, सो y इज इक्वल टू y प्लस नाइन, y इज इक्वल टू जीरो माइनस नाइन, y माइनस थ्री इज इक्वल y इज इक्वल टू जीरो प्लस थ्री, ठीक है। सो क्या है ये वैल्यूज ऑफ y, वैल्यूज ऑफ y क्या है, माइनस नाइन एंड थ्री, वैल्यूज ऑफ y आर माइनस नाइन एंड थ्री, ठीक है। So, इस तरह से ये वैल्यूज ऑफ y है माइनस नाइन एंड थ्री, ठीक है। सो इस तरह से ये आइडेंटिटी है, ठीक है, ये आपकी समझ के लिए मैंने लिखी है, ये आइडेंटिटी है, ठीक है। सम तो यही है, सम में pq इज इक्वल टू 10 दिया था, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, फिर वैल्यू डाल दी आपने 10 की, तो y को फाइंड करना है पूरे सम में, ठीक है। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। सो नाउ यू विल बी डूइंग क्वेश्चन 9।